की नब्ज टटोलने के लिए नमो ऐप पर मोदी मीटर लॉन्च। QS अध्यक्ष ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच नमो ऐप पर मोदी मीटर नामक अद्भुत सुविधा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से यूजर्स चुनावी मौसम में देश की नब्ज टटोल सकेंगे और वर्चुअल ओपिनियन पोल में भाग ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐप पर लॉन्च इस सुविधा के माध्यम से यूजर्स लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगा सकेंगे। अमेरिका में बड़ा खतरा, पाश्चराइज्ड दूध में मिले बर्ड फ्लू वायरस के अवशेष, जांच के लिए भेजे गए नमूने। अमेरिका के कई राज्यों की डेयरी गायों में पहली बार बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन का पता चला है। ये लगभग 8 राज्यों में फैल चुका है। इस बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने मंगलवार को दावा किया है कि अमेरिका में पाश्चराइज्ड दूध पाश्चराइज्ड मिल्क के कुछ नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस के अवशेष पाए गए हैं। हालांकि दूध इस्तेमाल करने लायक है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए टेस्ट के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इसरो एक बार फिर से रचेगा इतिहास, आज होगी गगनयान मिशन के लिए दूसरी टेस्टिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर से हिस्ट्री बनाने की तैयारी में है। इसरो आज यानी 24 अप्रैल 2024 को गगनयान मिशन के लिए दूसरी टेस्टिंग करेगा। संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि गगनयान मिशन के लिए 24 अप्रैल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हम इतिहास रचने से ज्यादा दूर नहीं है। मौसम बिगड़ने से दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 उड़ानें डायवर्ट, तेज आंधी बारिश से दिन में छा गया था अंधेरा। खराब मौसम के कारण शनिवार शाम को दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 15 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक 9 उड़ानों को जयपुर, 2 को अमृतसर, 2 को लखनऊ, 1 को मुंबई और 1 को चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में अचानक बदलाव आया और मंगलवार शाम को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने पूरा किया ट्रांसोशनिक अभियान। तारिणी लगभग 2 महीने की अवधि के ऐतिहासिक ट्रांसोशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर विजयी होकर लौट आया। INSV के अनुसार यह अभियान भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा डबल हैंडेड मोड में चलाया गया था। आतंकी कर रहे सूचना व संचार तकनीकों का दुरुपयोग, मुकाबला करने के लिए सहयोग जारी रखेगा भारत। भारत आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए सहयोग जारी रखेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को ये भरोसा दिया और कहा कि सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय व समावेशी ढांचा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। दिल्ली के खिलाफ मैच में उतरते ही गिल के नाम होगी खास उपलब्धि, पंत पांड्या के क्लब में होंगे शामिल। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज IPL 2024 का 40वां मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में उतरते ही शुभमन गिल के नाम एक खास उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। वो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के क्लब में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली की टीम इस मैच में गुजरात को हराकर जीत की पटरी पर वापसी करना चाहेगी। वहीं गुजरात अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन मजबूती, सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,400 के पार। घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। इस दौरान बाजार में निवेशकों के बीच सकारात्मक रुझान बना रहा। हालांकि बाजार में दिन के कारोबारी सत्र के दौरान ऊपरी स्तरों से बिकवाली दिखी। बुधवार के कारोबारी सत्र के बाद 30 शेयरों का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 114 अंक या 0.16% की बढ़त के साथ 73,852 पर बंद हुआ।